हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मजेदार चीज। बेसिकली इसका रिक्वेस्ट मुझे पाकिस्तान से मिला है और वो काफी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बना दीजिए प्लीज 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 प्लीज। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, इंडिया पाकिस्तान ने क्या रखा है, अच्छा टॉपिक है तो चलिए बना देते हैं। तो बेसिकली इनका कहना है कि उनके पास 578 पेज का एक पीडीएफ है जो कि टैक्स इनवाइसेज है। हर कस्टमर की अलग अलग है और वो चाहते हैं कि हर कस्टमर की अलग अलग पेजेस के हिसाब से इनवाइस सेट हो जाए, मतलब जितने पेज उतने इनवाइसेज। और ये फाइल हमने यहाँ से चेक भी किया है, यहाँ डाउनलोड करके देखा भी है, तो कुछ ऐसा ही है। एक पेज पे एक कस्टमर है, यहाँ पे देखिए 483 है, ये आपका 482 है, तो इसको हमें अलग करना है 58 पेज का। तो चलिए करते हैं। देखिए, इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक्रोबेट एडोब डीसी डाउनलोड करना होगा अपने पीसी में। फिलहाल ट्रायल बेसिस पे आ जाता है तो परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रायल कर सकते हैं। तो एक्रोबेट डीसी एडोब का है, एक्रोबेट डीसी ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट एडोब डॉट कॉम रीडर है, यहाँ पे रीडर मत कीजिएगा, ये आपको एक्रोबेट आपको चाहिए होगा। जी हाँ, ये एक्रोबेट डीसी, तभी हम पीडीएफ में एडिट कर पाएंगे। तो ये आपको डाउनलोड करना होगा। जब इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक्सेल को रीओपन कीजिए और इसके डेवलपर में चले जाइए, मतलब डेवलपर के अंदर जो विजुअल बेसिक है उस पे इसका शॉर्टकट F11 भी होता है, वहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद टूल्स के अंदर रेफरेंसेज, और रेफरेंसेस में आप खोजिए कि एडोब के, यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है, एडोब लाइब्रेरी जो होता है वो आपका आपको रखना पड़ेगा। इसमें स्कैन लाइब्रेरी वगैरह भी है, उसको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे आपने एडोब एक्रोबेट ब्राउजर कंट्रोल है, एडोब फाइल प्रीव्यू लाइफ है, और ये पीडीएफ मेकर फॉर ऑफिस है। ये जितने भी अडोब के और पीडीएफ से रिलेटेड आपको लाइब्रेरी है, यहाँ पे अडोब एक्रोबेट लाइब्रेरी टाइप ये रहे, मेन ये है सर, यहाँ देखिए ये रहा, बाकी भी कर लीजिएगा लेकिन मेन ये है एक्रोबेट अडोब एक्रोबेट 10.0 टाइप लाइब्रेरी। इसको अनेबल कीजिएगा, इसको अनेबल नहीं कीजिएगा तो एक्रोबेट की जो डिटेल्स है एक्सेल में आएंगी ही नहीं। उसके बाद हमें एक कोडिंग करनी है, इस कोड को मुझे लिखना है। तो चलिए, हम ये दो कोड तो लिखा हुआ है लेकिन ऐसे ही मैंने एक छोटा सा फाइल बनाया हुआ था, इसी को मैं थोड़ा सा आपके हिसाब से बनता हूँ। मैंने लिख दिया मेक पीडीएफ के नाम से, मैं अलग अलग बनाता हूँ। तो क्या क्या हो सकता है, चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है कि डिम, हमने बोल दिया कि पी डी डॉक, मैंने पी डी डॉक एज ए एक्रोबेट यहाँ पे आ जाएगा, एक्रोबेट डॉट यहाँ पे आपको दिखेगा सी ए तो यहाँ पे सी ए प्रो पी डी डॉक। अब सी को मैं छोटा करता हूँ तो क्या ये बड़ा होता है, हाँ बड़ा हो रहा है, मतलब कि ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ डिम न्यू पी डी एफ, न्यू
पीडीएफ एज ए सेन एक्ट्रो वेट डॉट सी ए सी आर ओ पी डी डी टी ओ सी बार बार टैब हो जा रहा है ना, इस कारण से नहीं दे रहा है। तो सेम यहाँ पे इसी को हमें ले रहा है, ये हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ पे डबल चेक के डिम पाथ एफ ले लेते हैं, यहाँ पे एफ कॉमा फाइल नेम, यहाँ पे एफ एन एज ए स्ट्रिंग हमने कर लिया। और यहाँ पे हमने एफ इक्वल टू हमने यहाँ पे फोल्डर पाथ ये रखा है बी टू, यहाँ पे देते हैं रेंज, या आप मैनुअली लिख दें, लेकिन मैंने यहाँ पे बी टू पे हमने डाल दिया हुआ है तो डॉट वैल्यू बी टू से उठा लेगा। और फाइल नेम जो है बी वन पे है, तो यहाँ पे लिखा रेंज एफ वन बी वन सॉरी बी वन डॉट वैल्यू बी वन से उठा लेगा। तो दो पाथ हमने उठा लिया। अब बात करते हैं क्रिएट करने की, हमें पीडीएफ क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे किया सेट सेट पीडी पीडी डॉक इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर में हमने डाल दिया ए सी इन्वर्टर कॉमा डालना पड़ेगा ए सी आर ओ एक्रो ई एक्स सी एच डॉट पी डी डॉट। ए सी आर ओ ई सी ई एक्स सी एच सही है। उसके बाद हम यहाँ पे ये हो गए हमारा, उसके बाद हम ओपन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डिम आर एज ए वेरिएंट ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको डम्प हो गया, माफ कीजिएगा डिम। और फिर यहाँ पे हम करते हैं आर इक्वल टू पी डी डॉक डॉट ओपन, ओपन के अंदर में हमें जो हमारा जो फाइल नेम है एफ एन उसको हमें देना है यहाँ पे एफ एन। तो क्या करेगा, ऐसा पी डी द डबल डी हाँ पी डी डॉक डॉट ओपन, और यहाँ पे फाइल नेम हमने दे दिया। अब ये फाइल हमने ओपन कर दिया। अब मुझे पेज नंबर काउंट करने हैं, तो मैं यहाँ यहीं पे एक और वेरिएबल देता हूँ कि डिम पी एन पेज नंबर एज ए लॉन्ग, ज़्यादा हो सकता है इसे लॉन्ग कर दिया। और फिर पी एन इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा पी डी डॉक डॉट गेट नम पेजेज, इसको ले लिया। तो जितने नंबर पेजेज होंगे वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अब जितने पेजेज नंबर होते चलाने हैं, तो हम यहाँ पे फोर लूप लगाया कि फोर आई इक्वल टू चले जीरो टू जो पेज नंबर हमारे हैं पी एन जो है पी एन माइनस वन कर देते हैं कि जितना पेज नंबर उससे कम चले, क्योंकि जीरो से चल रहा है ना इसलिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेट हमने यहाँ पे लिया वाला न्यू पी डी एफ इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन, अब इसके अंदर हमें देना है इन्वर्टर कॉमा में ए सी आर ओ सेम ई एक्स सी एच डॉट पी डी एफ पी डी एफ पी डी डॉक है ना सॉरी पी डी डॉक। तो ए सी आर ओ ई एक्स सी एच और पी डी डॉक हमने इसमें दे दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं
new pdf.create, हमने क्रिएट कर दिया। और फिर यहाँ पर लिखते हैं न्यू नेम, हमें नाम भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं एनएन के नाम से, एनएन एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि हमें नाम भी चाहिए होगा। यहाँ पे लिखते हैं एनएन न्यू नेम इक्वल टू, और मेरा एफ के ऊपर है ना स्लैश। अब ये चीज़ देख लेते हैं ना कि हमने जो डाला हुआ है इसमें स्लैश लगा हुआ है, नहीं, लास्ट में स्लैश नहीं लगा हुआ है, तो हमें इसके साथ लास्ट में स्लैश कंबाइन करने होंगे। और यहाँ पे जो भी इनवाइस नंबर पेज नंबर देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं कि पेज नंबर और n% के साथ हमने लगा दिया यहाँ पे आई, इसमें डैश दे देते हैं आई, और इसके बाद हम कर देते हैं डॉट pdf। हमने एक पाथ बना लिया जिस पाथ पे फाइल को मुझे सेव करना है। अब यहाँ पे सीधे लिखते हैं न्यू pdf डॉट इंसर्ट पेजेज -1, pd डॉट, यहाँ पे आता है स्टार्ट एज ए लॉन्ग, हमने बोला आई से कितने पेजेस लेने हैं, तो हमने बोला एक पेज लेना है, और इंसर्ट पेज एज ए लॉन्ग हमें 0 कर देना है बस। यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ये आपका हो गया। और फिर न्यू pdf डॉट हम सेव कर देते हैं, सेव करते समय यहाँ पे comma 1 और यहाँ पे nm, जहाँ जिस पाथ पे मुझे सेव करना है वो देना होगा। फिर यहाँ पे न्यू pdf डॉट क्लोज हमने कर दिया, और फिर सेट न्यू pdf इक्वल टू नथिंग, और फिर नेक्स्ट आई हमने करके यहाँ पे एडिशन हमारा आ गया। अब इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, तो एक बार इसको रन करके हम चेक करते हैं, हम यहीं से रन कर देते हैं। पर अगर भाई आप रन करने के लिए बाहर भी या मैक्रोज पे जाके भी यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, मेक पीडीएफ में रन कर। अब इसमें यहाँ पे आ गया दिक्कत, क्या बता रहा है, ये बता रहा है आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल, इसमें हमने क्या क्या दिया है, एक एरर आ गया, बाकी सब ठीक है। न्यू पीडीएफ डॉट सेव, ओके, हमने यहाँ पे 1 दे रहा था, then comma nn file, और ये रनिंग है, आप देख पा रहे हैं चल रहा है डिबग। यहाँ पे आ गया इनवॉक एज बी क्लाइंट, अच्छा देखते हैं कितना पीडीएफ बना दिया, अच्छा इसे पीडीएफ मोस्टली बना दिया, 46 पेजेस को बना दिया है। द रिमोट सर्वर मशीन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज अनेबल, तो ये काम तो कर रहा है लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर पेजेस के बाद काम नहीं कर रहा है। इसको डिलीट करके एक बार दोबारा रन करता हूँ, छुट्टी के बाद काम नहीं कर पा रहा है।
के साथ इन्हें काम नहीं कर पा रहा है, 40 तो काम कर, क्योंकि हो सकता है ट्रायल वर्जन हो इसलिए लिमिटेड एक्सेस हो। कितने पेजेज है इसमें? पेजेज तो काफ़ी ज़्यादा, आज मैं 40 पर आते हैं, 40 पर क्यों नहीं काम कर पा रहा है? अच्छा इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, 40 तक तो बन गया, अब इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं और यहाँ हम इसको कर देते हैं यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे हम कर देते हैं 40, तो यहाँ पे हम अगला बार चलाते हैं 40 to 89। अब देखें चल रहा है, चल रहा है, मतलब कि हम जो है एक लिमिटेड ऑप्शंस तक ही, जब 39 ही क्रिएट कर सकते हैं एक बार, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम होने के रीज़न ही क्योंकि मैंने अक्रोबेट को ख़रीदा नहीं है, ये ट्रायल बेसिस पे है। जी हाँ, पीडीएफ में देखिए आपका ट्रायल बेसिस पे है, तो 82 तक बना दिया है इसने, इसके आगे नहीं बना पाया। तो आपको इसी तरह से आप अपना कोड चेंज करते रहिएगा और इसको करते रहिएगा, इसमें इसी तरह से आपको करना है कि धीरे धीरे आपको यहाँ पे 83 के बाद चेंज करते रहना है। शायद यही प्रॉब्लम है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है रिमोट सर्वर मशीन डज नॉट एग्जिस्ट एंड इज अनेबल, तो सीधे आपका जो एक्रोबेट है इस चीज़ को रोक दे रहा है। तो अगर परचेज होगा तो आई थिंक, या फिर ट्रायल वर्जन नहीं होगा तो आई थिंक ये वर्क करेगा। ट्रायल वर्जन में लिमिटेशंस है, फिर मैं यहाँ पे अगर मैं 83 to 120 अगर मैं करता हूँ तो फिर देखेंगे कि ये हमारा वर्क करेगा ना दिया। और यहाँ पे 122 से मैं यहाँ पे 159 करता हूँ तो ये आपका वर्क कर रहा है, तो 39 तक ही वर्क करेगा, 39 से ज़्यादा वर्क नहीं करेगा इसको। हाँ एक्रोबेट आका आपका ओरिजिनल है तो पूरा करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।